नमस्कार दोस्तों, मैजिकल किचन बाय तिमिशा में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मुरमुरे से बहुत ही हल्का नाश्ता, जिसे आप कम तेल में बना सकते हैं और इसे आप चाय के साथ या ऐसे भी खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हम यहाँ पे 500 ग्राम मुरमुरा ले रहे हैं, 200 ग्राम मूंगफली, एक कटोरी हल्दीराम मिक्स नमकीन, पुदीना की पत्तियाँ, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच नमक स्वाद अनुसार, एक चम्मच जीरा, दो लाल मिर्च, 7 से 8 चम्मच सरसों का तेल। अब हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने पुदीने की पत्तियों को बहुत महीन कट कर लिया था बारीक, और यहाँ पे हम ऑल इन वन मिक्स हल्दीराम नमकीन ले रहे हैं, और यहाँ पे मूंगफली ले रहे हैं और मुरमुरा। अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई फैन लेंगे, जिसमें हम सरसों का तेल ले रहे हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम मूंगफली को हल्का सा रोस्ट करेंगे। जब इसे हम रोस्ट करते हैं ना, तो बहुत तेज़ी से चटकते, तो ध्यान रहे कि आप जले ना, और इसे बहुत तेज आंच में हमें नहीं भूनना है। और जब ये अच्छे से भून जाएगी, तब इसे हम निकाल लेंगे। अब हमारी जो मूंगफली है वो अच्छे से भून गई है, इसे हम निकाल लेंगे अलग प्लेट पे। अब इसी तेल में हम बनाएंगे दाल मोट। अब यहाँ पे हम 1 चम्मच जीरा डाल रहे हैं, और 2 खड़ी हम यहाँ पे लाल मिर्च ले रहे हैं। अगर आपके पास हरी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने पुदीने की पत्तियाँ ली हैं, इसको मैंने बारीक काट लिया था। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, और अगर हो सके ना तो इसे आप पीस के डालेंगे तो और ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप लोग ट्राई कर सकते हैं दोनों तरीके से। अब इसमें हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रहे हैं, और 1/2 चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और मसाले को हम तेल में 1 मिनट के लिए पकाएंगे। जब मसाला हमारा अच्छे से भुन जाएगा, तब इसमें हम मुरमुरा या लैया भी जिसे हम बोलते हैं, उसको हम इसमें डाल देंगे। और डालने से पहले हम इसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। नमक हम इसमें इसलिए डालेंगे ताकि तेल में डालने से अच्छे से इसमें नमक मिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हम मुरमुरे को डालेंगे, मिक्स लइए को, और इसे डालने के बाद अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है बराबर में, ताकि सारा मसाला अच्छे से हमारा इसमें मिक्स हो जाए। और इसी तरीके से हमें इसे बराबर चलाते जाना है, ताकि ये नीचे से लगे ना, और बराबर में ये अच्छे से फ्राई हो जाए। और इसे हमें तब तक इसे चलाना है जब ये काफ़ी ज़्यादा खाने में कुरकुरी ना हो जाए। इसे आप चेक कर सकते हैं, 2 मिनट बाद ये आपके अच्छे से हो जाएगी। तब इसमें हम मूंगफली डालेंगे, और साथ में हमने जो मिक्स नमकीन ली है उसको भी डालेंगे। अगर आपके पास मिक्स नमकीन नहीं है तो आपके पास बूंदी हो वो भी डाल सकते हैं, या आपके पास दाल हो समूची, उनको भी आप भिगो कर और हल्का सा फ्राई करके आप इसमें डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और भी इन सबको आप मिक्स कर देंगे, और जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगी, भुन जाएगी, तब इसे आप निकाल लेंगे। तब इसमें हम चाट मसाला मिक्स करेंगे। ये हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम चाट मसाला 1 चम्मच डाल रहे हैं। चाट मसाला हम ऊपर से डालेंगे, पहले हम इसलिए नहीं डाल रहे थे कि मसाला हल्का सा भुन जाता है। ये हमारा ऑलरेडी मसाला भुना हुआ होता है, इसलिए ऊपर से डालने में इसका फ्लेवर पूरा पता चलता है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, और ये हमारा नाश्ते के लिए, मॉर्निंग का हो चाहे इवनिंग का हो, आपका नाश्ता तैयार है। इसे आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं या चाय के साथ। ये आपके लिए बहुत ही हल्का नाश्ता आज मैंने बनाया है। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।